नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनवाल एजुटेक में। दोस्तों बात करने वाले जो पटवारी के एग्जाम हुआ था 23 अक्टूबर 2021 को, सेकंड पेपर है, सेकंड शिफ्ट का है और उसकी आंसर की आपको बताने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक आपको आंसर की बताएंगे। तो प्लीज़ अपना अपना क्वेश्चन जो आंसर का है मिलान कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है और ये है इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा ओनली वन और टू, यानी कि इसका आंसर है सी ऑप्शन। तो अपना अपना मिलान कर लेना। उसके बाद में है आता आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है डी, 1750 से 1899। उसके बाद में गाइस यहां पे है आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा तीसरे का। उसके बाद में है फोर क्वेश्चन। फोर क्वेश्चन का आंसर है ए, फोर क्वेश्चन का आंसर भी ए है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे है फाइव क्वेश्चन। फाइव क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। उसके बाद में सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन का आंसर है ए, नो एरर। उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे, सेवन क्वेश्चन की। तो सेवन क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। उसके बाद में एट क्वेश्चन। एट क्वेश्चन का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन। नाइन का आंसर होगा सी ऑप्शन। उसके बाद में गाइस नीचे जाते हैं दसवें। दसवां क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन। मिलान कर सकते हैं अपना अपना। उसके बाद में ग्यारहवा, ग्यारह का आंसर है डी। ओके, उसके बाद में चलते हैं नीचे बारहवा क्वेश्चन। तो बारहवा क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी ऑप्शन, यानी कि जे। उसके बाद में है तेरहवा क्वेश्चन। तो तेरहवें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ए। तेरह क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए रहेगा, यहाँ पे ए देख सकते हैं। उसके बाद में है चौदह क्वेश्चन। चौदह क्वेश्चन का आंसर है डी, टी आर पी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंद्रह क्वेश्चन आता है आपके सामने है। पंद्रह क्वेश्चन, पंद्रह क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन, डेटा अपर्याप्त, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिक सर्वेक्षण संपन्न किया गया है तो उसका आएगा डेटा अपर्याप्त। उसके बाद में है सोलह क्वेश्चन। और सोलह क्वेश्चन का आंसर रहेगा, यानी कि वायु से ऊर्जा अपेक्षाकृत नया उभरता हुआ क्षेत्र है, तो उसका राइट आंसर होगा निश्चित रूप से सही। ये पैराग्राम में छाट के आंसर दे रहा है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रह। तो सत्रह क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। सत्रह क्वेश्चन का रहेगा बी ऑप्शन, है संभव, संभवतः नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अठारह। अठारह क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी ऑप्शन, नाइन मीटर। उसके बाद में चलते हैं उन्नीसवां क्वेश्चन। तो उन्नीसवां क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है, ए ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो मिलान कर लेना अपने अपने। उसके बाद में चलते हैं बीसवां क्वेश्चन। तो बीसवां क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है, बीसवां क्वेश्चन, तो बीसवां क्वेश्चन का है आंसर बी ऑप्शन, ईडीजी। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट आगे इक्कीसवां क्वेश्चन। ओके गाइस, यहाँ पे आ चुका है आपका जो इक्कीसवां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा बी, 1 3 2 5 4। उसके बाद में है बाईसवां क्वेश्चन। तो बाईसवां क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, एस के दाहिने से चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेईस। तेईस के अंदर राइट आंसर रहेगा आपका एक। उसके बाद में है आपका चौबीस, चौबीसवां क्वेश्चन। चौबीसवां क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन देख लेना, चौबीसवां, चौबीसवां जरा। और चौबीसवें क्वेश्चन में है डी ऑप्शन, यानी कि जो पहाड़ी और पर्वत। नेक्स्ट है पच्चीस। इसमें से आपको विषम चुनना है। तो 25 में से विषम कौन सा होगा,
15 से 21। नेक्स्ट है 26। 26 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, यानी कि ओ उत्तर आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। 27 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, सी, सी डब्लू। उसके बाद में है 28 क्वेश्चन, तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन। ओके गाइस, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। 29 का राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, असिमिट्री। उसके बाद में है 30वां क्वेश्चन। 30वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यानी कि वाई आंसर आएगा इसमें। उसके बाद में 31वां क्वेश्चन में है डी, डी का मतलब होगा भाई। उसके बाद में है 32, 32, 32 में रहेगा सी ऑप्शन, 32 का है सी ऑप्शन, यानी कि 4 5 2 3 1। उसके बाद में है 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, बी यानी कि संस्कृत, संस्कृत रहेगा इसका। उसके बाद में नेक्स्ट है 34वां क्वेश्चन। 34 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा गुलाबी, यानी कि बी, इसका बी है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, 51, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। 36 का राइट आंसर है सी ऑप्शन, 25, 18, 10। 37 क्वेश्चन, 37 का राइट आंसर रहने वाला है बी, 3:1। उसके बाद में है 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपके सामने है, 38वां क्वेश्चन है उसके अंदर राइट आंसर है इसका डी, यानी कि 32 आंसर आएंगे इसमें। उसके बाद में गाइस यहाँ पे है 39वां, यानी कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये। 39वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7/3। नेक्स्ट चलते हैं 40वां क्वेश्चन। तो 40वां क्वेश्चन है उसके अंदर राइट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन, यानी कि 5200। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। 41 का राइट आंसर रहेगा 12। 42। 42 का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, 43। 43 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 150, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 44 का राइट आंसर रहेगा 4 ईयर, यानी 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने है 45वां क्वेश्चन। 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 64 cm, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 46। 46 का आंसर रहेगा डी, यानी कि 68,000। उसके बाद में है 47वां। 47वें क्वेश्चन में रहेगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का मतलब हो गया इनमें से कोई ही नहीं, यानी कि ए ऑप्शन। उसके बाद में है 48वां क्वेश्चन। 48 का राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यानी कि 14। नेक्स्ट है 49। 49वां क्वेश्चन है उसमें रहेगा बी, 476। उसके बाद में है 50। 50 में रहेगा आपका आंसर डी, डी का मतलब है 1,20,000 लीटर से। उसके बाद में है 51। 51 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि 36। नेक्स्ट चलते हैं 52। 52 में रहेगा आपका आंसर डी, 12 दिनों में। नेक्स्ट है 53। इसमें भी ही आपको सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्नों के उत्तर 53 से 55 में आपको पैराग्राफ इसमें आंसर आपको देने होंगे। तो यहाँ पे 53 क्वेश्चन है उसकी बात करें, 53वें क्वेश्चन में क्या आंसर आने वाला है, ए ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। फिर उसके बाद में 54 है, 54 में भी इनमें से कोई नहीं यही आएगा। 55, 55 में आएगा डी ऑप्शन, यानी कि 5।
छप्पन 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 क्वेश्चन में रहेगा ए ऑप्शन, यानी कि ये सभी 56 क्वेश्चन में ये सभी रहने वाले हैं। 56 में हो गया आपका ये सभी। उसके बाद हम चलते हैं 57। 57 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी कि टच पैड। और एक क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है। तो 57 में आ गया टच पैड, डी ऑप्शन। 58 क्वेश्चन, 58 में एक डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है, किस उद्देश्य के लिए होता है 58 में, यानी कि इसका होता है आउटपुट यूनिट का ग्राफिक डेटा भेजने के लिए। नेक्स्ट आता है 59, 59 में आपका राइट आंसर है, इसका राइट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार जो रेडी फॉर यूज में निर्मित निर्मित इमेज इमेजिस संदर्भित है, तो 59 में रहेगा हम क्लिप आर्ट। ओके गाइस, उसके बाद में है साइट। साइट और क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ये ऑप्शन, यानी कि इसे मल्टी टास्किंग रहेगा, एक समय से पर एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने के लिए ऑपरेशन की क्षमता होती है, तो मल्टी टास्किंग। उसके बाद में है 61 क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है तो कौन सा है, इनमें से कोई नहीं है, बाकी सारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, तो इनमें से कोई नहीं आएगा इसका आंसर, यानी कि ए ऑप्शन। 62 क्वेश्चन की बात करें तो जो 62वां क्वेश्चन है, एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न से कौन सा सत्य नहीं है, तो 62 में आंसर आपका एक भंडारी डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। 63, 63 के उस क्वेश्चन की बात करें, जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं, तो 63 में क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन, यानी कि ट्रांजिशन। उसके बाद में है 64, 64 में रहेगा ए ईमेल क्लाइंट। उसके बाद में है 65, 65वें क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद में है 66, 66 का राइट आंसर है ए, ए रहने वाला है 66 का, यानी किसमें ए। उसके बाद में है 67, 67 में रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 68वें क्वेश्चन, तो 68वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, तो 68वें क्वेश्चन में रहेगा सी ऑप्शन, यानी कि सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है 69, तो 69 का जो राइट आंसर रहने वाला है बी, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। नेक्स्ट है 70, 70 में रहेगा डी ऑप्शन, अधिक महंगी होती है, यानी कि डिस्क की तुलना में हार्ड डिस्क कैसी होती है, अधिक महंगी होती है। नेक्स्ट है 71, 71 का राइट आंसर रहेगा स्क्रीन के जो रिजोल्यूशन के द्वारा निर्देश किया जाता है, तो 71 का राइट आंसर है पिक्सेल। ओके, उसके बाद चलते हैं 72वें क्वेश्चन की बात करें, तो कछुआ राजवंश के संस्थापक है, ये जीके क्वेश्चन आ सकते हैं, आ चुके हैं राजस्थान जीके के, तो 72वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन, दुल्ले राय। नेक्स्ट है 73, तो 73 का रहेगा ए ऑप्शन, यानी राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रमुख पीठ कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, जोधपुर को। नेक्स्ट आता है आपका 74 क्वेश्चन, 56वें सिंह जिस जिले में है वह कौन सा जिला है, तो 74 में रहेगा बांसवाड़ा। ओके गाइस, उसके बाद में चलते हैं 75, 75वें क्वेश्चन है मारवाड़ में दामिनी क्या है, तो 75वें क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है सी ऑप्शन, एक प्रकार की ओढ़नी है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छिंतर, छिंतर रहेगा गरासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो 76वें क्वेश्चन में रहेगा ए ऑप्शन, यानी कि वालर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, 77 का राइट आंसर रहने वाला है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, तो कौन सा गलत है इसमें, सूर्य मंदिर भरतपुर में नहीं है और ये सारे सही हैं। नेक्स्ट है 78, 78 आपको सम्मिलित करना होगा, 78 में आएगा सी ऑप्शन, सही है इसका राइट आंसर, 3-1-2। नेक्स्ट है 79, 79 के अंदर रहेगा बी ऑप्शन जयपुर, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था, यहाँ पे नहीं दे रखा तो आ गया जयपुर, वो सारे केंद्र थे।
उसके बाद में है 80। तो 80 क्वेश्चन का भी आपको मिलान करना है इसके अंदर, इसमें कौन सा आएगा आंसर, इसमें से कौन सा बेमेल है, बेमेल बताना है इसमें। तो 80 में रहेगा आपका सी ऑप्शन केवलादेह घना, ये करौली के अंदर है सर, इसका ये करौली के अंदर नहीं होगा, ये सारे सही हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है 81, तो 81 का राइट आंसर रहने वाला है सी 2 3 1। नेक्स्ट है 82, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ, तो 82 का राइट आंसर रहने वाला है 1 नवंबर 1956। उसके बाद में है गाइस यहाँ पे 83 क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 83 क्वेश्चन है, 83 में दे रखा है बी अनुच्छेद 156, और सनवाल एजुटेक टेलीग्राम है उसको भी आप जुड़ जाना, यहाँ पे सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल का नेम है वही है सनवाल एजुटेक, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम को भी। तो आ चुका आपका 83 में हो चुका है बी ऑप्शन अनुच्छेद 156। उसके बाद में है 84, तो निम्मू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूतानों किस रियासत में हुआ था, तो 84 में क्या आएगा अलवर, भारत यानी कि अलवर में। उसके बाद में है 85, 85 का राइट आंसर होगा बी 2 4 3 1, अपने अपने मिलान कर लेना। उसके बाद में संत भूरी बाई अलग का कार्य क्षेत्र था, तो 86 में राइट आंसर रहेगा मेवाड़। उसके बाद में है 87 क्वेश्चन, किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्य थे, तो 87 क्वेश्चन में आंसर रहेगा सावंत सिंह। उसके बाद में है 88 क्वेश्चन, 88 क्वेश्चन हवा महल जयपुर के बारे में 19 कथनों के विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से प्रश्न का उत्तर सही दीजिए, तो 88 क्वेश्चन में रहेगा आपका सी ऑप्शन 1 और 2। उसके बाद में चलते हैं गाइस यहाँ पे 89 क्वेश्चन, अलवर भरतपुर में जोगी द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती थी, तो 89 क्वेश्चन में होगा जोगिया सारंगी। नेक्स्ट है 90, 90 क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका 1 और 2। नेक्स्ट है 91, कुंडा पंत के प्रणेता कौन थे, तो 91 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राव मल्लीनाथ। उसके बाद में चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 हो गया आपका, तो 92 यानी कि 92 में राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 1 2 4 सही हैं। उसके बाद में 93 है, 93 में हो चुका है यानी कि राजस्थान का कौन क्षेत्र बेल बूटों की छपाई की परंपरागत कलाओं के रूप में जाना जाता है, तो 90 इसमें हो गया है आपका 93 में बी ऑप्शन यानी कि बगरू। उसके बाद में चलते हैं 94, 94 में आपका राइट आंसर रहेगा मुख्यमंत्री। 95 हाड़ौती का सुरंग मेला कहा जाता है, तो 95 में है चंद्रभागा मेले को। नेक्स्ट है 96, तो 96 में है सहयुग में, आपको सहयुग में बनाना है, तो 96 में आएगा आपका बी राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958। नेक्स्ट आता है 97, 97 का राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। उसके बाद में है 98, 98 है राजस्थान राज्य सूचना आयोग की वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है, तो 98 में रहेगा आपका डी ऑप्शन यानी कि देवेंद्र भूषण गुप्ता। उसके बाद में 99 है, 99 में रहेगा यानी कि आर एस एच आर सी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो 99 में रहेगा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद में है 100 यानी 100 वाला क्वेश्चन आ चुका है, तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है, तो कब मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। नेक्स्ट आता है उसके बाद में 101 क्वेश्चन, रतौंधी की कमी के कारण होता है, ये साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसके राइट आंसर रहने वाला है विटामिन ए। उसके बाद में है यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है
तो इसमें 102 है, 102 में राइट आंसर रहेगा आपका 2143, यानी कि बी ऑप्शन। ओके गाइज, उसके बाद में है अति सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, 103, तो 103 में आएगा माइक्रोस्कोप। उसके बाद चलते हैं 104 क्वेश्चन, फटाफट से नोट करते जाना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, चैनल का नेम है सनवाल एजुटेक, वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद में मनुष्य में रक्त क्षीणता एनीमिया का मुख्य कारण है, तो 104 है उसका राइट आंसर रहेगा, लोहे की कमी। नेक्स्ट है 105, बीसीजी टीका बच्चों को रोग से बचाने हेतु कार्य करता है, 105 में है बी यानी टीबी वाला। ओके गाइस, उसके बाद में है 106, हृदय की पेशियां है, हृदय की पेशियां है बी ऑप्शन। 107, 107 में रहेगा बी फ्रक्टोज, यानी कि सबसे कौन छोटी मीठी शर्करा है, फ्रक्टोज। उसके बाद में आता है 108, इसमें भी आपको सम्मिलित करना है, तो 108 में रहेगा 2413, यानी कि सी ऑप्शन। 109, इसमें भी आपको करना है सम्मिलित ही, तो 109 में रहेगा सी ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं 110, सती प्रथा और उन्मूलन राजा राममोहन के सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़े उपलब्धि है, तो 110 में रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि 1829। उसके बाद में है 111, 111 में आएगा सी ऑप्शन, 2314। नेक्स्ट है 112, 112 में आएगा बी ऑप्शन, 1 2 3 मिलान कर लेना यहाँ पे, रोक के आराम देख लेना कौन सा है। उसके बाद में है 113, 113 में रहेगा आपका मुगल शासक जिसके 15 वर्ष निर्वासन में बिताए वह था, कौन सा था, हुमायूं। उसके बाद में है 114 क्वेश्चन, तो 114 क्वेश्चन का है भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंतर स्थापित किया गया था, 114 में है 86वें संशोधन। 115, 115 में रहेगा ये ऑप्शन 1 2 4 3। 116 है हिंदू महासभा की स्थापना में हुई थी, तो कब हुई थी, 116 डी ऑप्शन, यानी कि 1915। 117, 117 में है निम्न से संविधान सभा द्वारा किसके संविधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया, तो 117 में है बी एन राव, यानी कि सी ऑप्शन। 118, 118 क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, और इसका राइट आंसर रहेगा सी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर और ए का सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद में 119, इनमें से कौन से भारत की रक्षा सेवाओं के संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 119, 119 में रहेगा रक्षा मंत्री, यानी कि ए ऑप्शन। उसके बाद में 120, दखन का पठार मुख्यतः बना है, तो दखन का पठार क्या बना है, सबको पता है बेसाल्ट। उसके बाद में है 121, 121 में रहेगा निम्न में से कौन सा अब तक स्थापित जैवमंडल निश्चय में शामिल नहीं है, तो 121 में कौन सा आएगा, ए ऑप्शन, यानी कि कच्छ की खाड़ी। उसके बाद में है 122, नीति आयोग में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के भागीदार में कौन, यानी कि प्रारंभ हुआ, तो इसमें होगा राइट आंसर रहेगा 122 में बी ऑप्शन, यानी कि पोषण ज्ञान। उसके बाद में 123, 123 में राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 102वें संशोधन, यानी कि अधिनियम 2018 के द्वारा। उसके बाद में है 124, 124 आपके सामने क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर रहने वाला है 3521, यानी ई ऑप्शन 3521। उसके बाद में 125, निम्न में से कौन किस राज्य की सीमाएं चार राष्ट्रों की सीमाओं से लगती है, तो 125 में कौन सा आंसर आने वाला है, ई ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में 126, निम्न में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश का प्राप्त करता है, तो कौन सा करता है 126 में,
बी ऑप्शन एन की कन्याकुमारी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आता है आपके सामने 127 क्वेश्चन। तो 127 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी एन की नीला कुरंजी। 128 में है डी ऑप्शन 1 2 3 4। उसके 129 बाद में कर्क रेखा से गुजरती है, तो 129 में कौन सा होगा, मध्य प्रदेश गुजरता है कर्क रेखा से। उसके बाद में है 130, तो 130 का राइट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है 131 सड़क यातायात राजमार्ग मंत्रालय में पंजीकरण की भारत सीरीज बीएस सीरीज अधिसूचित की है, तो बीएस सीरीज एच के आधार पर उपलब्ध होगी, ये सभी है। तो इसमें होगा एक क्वेश्चन नंबर 131, 131 में है ये सभी होंगे। ओके, ए ऑप्शन आएगा इसमें। 132 मीराबा लुआंग मैसेज नाम से हाल में चर्चा में था, किस खेल से संबंधित है, तो 132 में रहेगा बैडमिंटन से रहने वाली है। उसके बाद में है 133, तो 133 में दे रखा है 1 करोड़ फास्टिंग जारी करने के लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का प्रथम बैंक कौन सा है, तो 133 में रहेगा पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। ओके गाइस, उसके बाद में चलते हैं 134, हाल में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया 134 में, इकबाल सिंह लालपुरा। उसके बाद में है 135, फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किए जाने भारतीयों का कैटेलॉग साझा ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने की सुविधा देता है, तो किसे को देता है 135 में, बी ऑप्शन एन की मिंत्रा को। ओके, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 136 में। 136 है 12 वर्ष के ऊपर से बच्चों के लिए अनुमोदित पाने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 टीका है, तो 136 में है सी यानी कि जायको डी। ये तो पहले ही आ चुकी थी, कोविशील्ड और कोविशील्ड तो पहले ही आ चुकी, अब है जायकोन जायकोव डी। उसके बाद में 137 है, 137 का राइट आंसर है खावड़ा गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रण में देश की एकमात्र सबसे बड़ी प्रकाश वोल्टेज परियोजना का निर्माण के द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 137 में आएगा सी NTPC RL। उसके बाद में है 138, संसद द्वारा पास किया गया आवश्यक सेवा रक्षा सेवा अधिनियम 2021 जो केंद्र सरकार को आवश्यक सेवाओं में लगी इकाइयों को प्रतिबंधित करने का देती है उदाहरण अधिकार देती है, तो 138 पर रहेगा आपका आंसर, ये सभी रहेंगे। ओके, उसके बाद में है 139, 139 है यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे संस्कृत के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसका आंसर आएगा अभिभाव। 140 विलोम आपको युग्म बताना है, तो इसका है सम्मुख और विमुख। उसके बाद में है 141, यहाँ पे दे रखा है व्याकरण में की दृष्टि से इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो कौन सा है 141 में, बी ऑप्शन यानी कि लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। उसके बाद में है 142, तो 142 का राइट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन यानी कि जिसे सबके विषय में जानकारी हो सर्वज्ञ। उसके बाद में है यहाँ पे आपके सामने 143 क्वेश्चन, तो 143 क्वेश्चन इन शब्दों का विचार आपको करना है, तो 143 में आएगा बी ऑप्शन यानी कि श्रीमती, श्रीमती है इसका राइट आंसर। उसके बाद में यहाँ पे इनमें से श्रीमती है यानी कि 143 में बी ऑप्शन रहेगा, 1 और 2 और 3 यानी कि 3 होंगे, सॉरी ये भी होगा ये भी होगा और ये भी होगा, यानी कि राइट आंसर इसका रहेगा बी ऑप्शन 1 2 और 3, 1 2 और। उसके बाद में है 144, आपको युग्म का अर्थभेद नहीं सही नहीं है ये बताना है 144 में, तो इसका आंसर रहने वाला है डी आलोक, आलोक आलोक अंधेरा चहल पहल। उसके बाद में है 145, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का मुहारे का, तो आपको बताना है, तो 145 में आएगा
जिसका कहीं ठिकाना ना हो, यानी कि सी ऑप्शन रहेगा इसमें। ओके गाइस, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 146। तो 146 का क्या आंसर आने वाला है? निम्न में से कौन सा विकल्प सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया जाता है? 146 में आएगा डी ऑप्शन, यानी कि अलौकिकता और प्रशासनिक। उसके बाद में है 147, इनमें से अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो 147 में आएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन का मतलब हो गया परिवीक्षा। उसके बाद में है 148। 148 है किस विकल्प में फॉरेंसिंग शब्द का समक्ष हिंदी परिभाषित शब्द नहीं है? तो 148 में आएगा दूरदर्शिता, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं आप आगे, नेक्स्ट है 149। तो गाइस यहाँ पे है आपके सामने 149 का क्वेश्चन। उसके बाद में है गाइस लास्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो 149 उसमें राइट आंसर आने वाला है युधिष्ठिर, युद्ध और ईस्टर। उसके बाद में है 150। 150 है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो 150 में होगा आंसर आपका बी ऑप्शन, यानी पुत्री सुता तन्य। तो आपके कंप्लीट हो चुका है ये पेपर, जो पटवार का 23 अक्टूबर 2021 को सेकेंड पारी में था, सेकेंड पेपर था। उसके बाद में आज के पेपर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, 24 अक्टूबर के पेपर, फर्स्ट और सेकेंड दोनों पेपर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे आंसर की सही थे। तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सनवार एजुटेक यूट्यूब चैनल का नेम है और टेलीग्राम का भी यही नेम है। तो दोनों को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के पास शेयर भी करें। थैंक यू।